माँ के ऋणी हैं, हम धरती माँ के लिए जितना भी करें वो कम है। तो श्रोताओं, इस समय कोरोना का विश्वव्यापी जो संक्रमण फैला हुआ है उसको दूर भगाने के लिए भी धरती माँ के लिए एक सहयोगी है, क्योंकि विश्वव्यापी संक्रमण है और इसको हमें बचाना है सभी को, और सब लोग इसमें सहायता में लगे हुए हैं। हमारे कोरोना योद्धा, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे प्रशासन के लोग हों, चाहे वो सफाई कर्मी हों या हमारे नेतागण हों, सभी इसमें अपना अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। आज जो हम आपको कोरोना योद्धा से हम मिलवाने जा रहे हैं, बातचीत करने जा रहे हैं, इस सजीव कार्यक्रम में हमारे साथ लाइन पर हैं विधायक श्री बाबूराम पासवान जी। आप पूरनपुर क्षेत्र के विधायक हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, विधायक सर आपको नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे जीत जाएंगे इस कार्यक्रम में। जी जी सुधांशु जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर आप कैसे हैं? ठीक है ठीक है। मेरी तरफ से आकाशवाणी रामपुर के सभी श्रोताओं को भी सादर नमस्कार। जी विधायक जी, देखिए लॉकडाउन में पीलीभीत की जो वर्तमान स्थिति है, थोड़ा सा अवगत करा दें हमारे श्रोताओं को। जी मैं बताना, देखिए ना, पीलीभीत में यहाँ पहले दो मरीज मिले थे जी जी, कोरोना पॉजिटिव थे, जो ठीक होकर घर जा चुके हैं, लेकिन एक नया रोगी मिल गया है जी, जिसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिली है जी। ये कब? कल मिला है। ये यार काफी अधिक सतर्कता बढ़ा दी गई है, बरिया जहाँ पॉजिटिव मरीज मिला वहाँ हॉट स्पॉट घोषित कर दिया गया है, और जनपद वाली सभी लॉकडाउन नियमों का पूरा पालन घरों पर रह रहे हैं और कर रहे हैं, मास्क का प्रयोग भी कर रहे हैं, और हमारे किसान भाई अपनी खेती किसानी का काम लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए निपटा रहे हैं। जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात आपने सुनाई, लेकिन थोड़ी सी असंतोष की बात यह है कि एक पॉजिटिव मरीज मिला है, वो निश्चित रूप से क्वारंटाइन में होंगे, और वो हम ईश्वर अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि वो जल्दी से सही हो जाए। मैं जी जी, इसको पूरी सतर्कता प्रशासन द्वारा और डॉक्टरों द्वारा पूरी सतर्कता की जा रही है कि जिससे वो कहीं पर और सारा क्वारंटाइन भी कर दिया गया है जी। ये पीलीभीत ऐसा पहला जिला था उत्तर प्रदेश में जो कोरोना मुक्त हो गया था, और अभी आप बता रहे कि एक मरीज इसमें पॉजिटिव पाया गया है, खैर वो भी सही हो जाएंगे। अब इस समय जो पीलीभीत के निवासी हैं, ऐसे निवासी जो गरीब तबके के हैं, उनको किस तरह से मदद की जा रही है इस कठिन दौर में? देखिए अब ऐसा है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूजनीय हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जी, गरीबों को 5 किलो प्रति यूनिट से चावल मुक्त दिया जा रहा है, और मनरेगा मजदूरों को जनधन खाताओं में, महिलाओं को, वृद्धों को, विधवाओं को, दिव्यांगों को पेंशन खाते में 1,000 रुपए की अतिरिक्त धनराशि भेजी है, किसानों को भी 2,000 रुपए सम्मान निधि से मिल चुके हैं। यहाँ जो दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा ठेली चालक, फल लगाने वाले जो लोग हैं, और जो राशन कार्ड व जॉब कार्ड से वंचित लोग छूट गए थे, उनकी सूचियां बनाकर मैंने 800 लोगों को जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भिजवा दी। उसमें मैंने एक हेल्पलाइन नंबर दफ्तर में जारी किया था, और उनको 1,000 रुपए माननीय योगी जी से मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता हुई थी कि जो लोग मजदूर टाइप के हैं उनको 1,000 रुपए मिले हैं। तो ये मेरा पूरा प्रयास चलता है कि गरीबों को हर संभव मदद मिले। ये आपके विधानसभा क्षेत्र में आप तो लगे हुए हैं, क्या कोई और भी समाज सेवी संगठन लोगों की सेवा कर रहा है, गरीबों की मदद कर रहा है, या कोई प्रतिनिधि और भी मदद कर रहे हैं वहाँ? देखिए अब मैं गरीब जनता को भोजन देने के लिए जी, मैंने योगी मोदी रसोई का प्रारंभ किया है जब से लॉकडाउन हुआ यहाँ पर जी जी। आज 27वें दिन भी 1,500 पैकेट प्रतिदिन माध्यम से मैं टीम द्वारा शहरों, गांवों, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा रहा हूं।
इसके अलावा यहाँ पर लोकप्रिय सांसद आदरणीय वरुण गांधी जी जो कोरपुर में भोजन तैयार कराकर गरीब लोगों में वितरित कराते हैं, उनके प्रतिदिन 2200-2300 पैकेट यहाँ से बन के जा रहे हैं। रोटरी अब हमारे इधर बहुत अच्छी सेवा कर रहा है, तो वो भी प्रतिदिन लोगों को भोजन मुहैया कराता है। एक जय गुरुदेव की संगत है यहाँ पर, राइस मिलर है, डॉक्टर है, पेट्रोल पंप के स्वामी है, अन्य कई व्यवसायी समाज सेवी संस्थाएं नेक काम में सहभागी बन रहे हैं और मेरी हमेशा वार्ता इन लोगों से होती रहती है। कोई भी राशन घरेलू बच्चों की किट बांट रहा है तो कोई मास्क सैनिटाइजर जनता तक पहुंचा रहा है। पुलिस प्रशासन अधिकारी कर्मचारी भी दिन रात सेवा में जुटे हुए हैं। डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ, मीडिया बंधु भी सही कार्य में जुटे। हमारे भाई भी बहुत लोग कोरोना योद्धाओं को धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस समय गरीब जनता का के साथ हम लोग खड़े हैं पूरे। विधायक जी, ये हम जानना चाहते हैं कि आपके पास कोई ऐसी योजना है जिससे जनता को समुचित राहत मिल सके और उनका लाभ हो सके? जी ऐसा है, अभी अभी हमने रात दिन ये बात चलती रहती। मैंने खंड विकास अधिकारी नीरज दुबे हैं मेरे इधर, मैंने उनको पहले भी कहा था, आज भी बुलाया और कल भी बुलाया था, तो उन्होंने मनरेगा से 121 गांवों में काम शुरू करा दिया है। 48 गांवों में काम कल से शुरू होगा। मेरे इधर 189 ग्राम पंचायतें हैं, शेष 20 ग्राम पंचायतें बची हैं। मैंने कहा जल्द उनमें शुरू कराओ। 7000 मनरेगा के मजदूर उनमें काम पर लगे हैं, उन्हें रोजगार मिल रहा है। उनको सबको मतलब 189 ग्राम पंचायत में लोगों को मजदूरी मिले जी। 169 ग्राम पंचायतों में मनरेगा से काम शुरू हो गया। 7000 मजदूरों ने आज काम किया है उन पर। 20 ग्राम पंचायतें ठीक अगले दिन मैंने शुरू कराने के लिए उनको आदेशित कर दिया कि तुरंत हर ग्राम पंचायत में मनरेगा मजदूरों को काम मिले और उन्हें रोजगार मिले। तो ये जो ग्राम पंचायतों में जो काम चल रहा है उसमें सोशल डिस्टेंस का कैसे पालन किया जा रहा है, कितना पालन किया जा रहा है, सामाजिक दूरी बनी है? जी जी, उसमें देखिए अब ऐसा है, ये मजदूरों को दूर दूर लंबा एरिया होता है मनरेगा का कि 3 किलोमीटर एरिया में काम होना है, तो जो मजदूर वहाँ पर 100 लगे या 300 लगे हैं जहाँ पर, तो उनको डिस्टेंस बना के काम कराया जा रहा है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ से गोमती का उद्गम स्थान भी है जाना, उसमें 34 गाँव उस गोमती के किनारे बसे हुए हैं, उन पे भी हम लोगों ने कहा कि इसमें जल्दी काम हो। गोमती की अविरल धारा बहे जो एक संदेश था नदियों को अविरल धारा बहाने का, वो भी संदेश हम लोग देना चाहते हैं, उसमें प्रयास कर रहे हैं। जी जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आप एकदम प्रयासरत हैं। इस मुश्किल दौर में आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं मुश्किल दौर में जनता को संदेश ये देना चाहता हूँ और जनता से अनुरोध भी करता हूँ कि सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें, मास्क ना हो तो रुमाल या गमछा का प्रयोग करें, अपने गांव मोहल्ले आसपास के किसी की कोई भी परेशानी हो तो यथासंभव उसकी मदद करें और निश्चित ही कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा। आकाशवाणी परिवार को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुझे इस कार्यक्रम में आपने शामिल किया है, इसका के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। विधायक सर श्री बाबू राम पासवान जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें आकाशवाणी रामपुर को और आकाशवाणी रामपुर के श्रोताओं को दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं तहे दिल से। मैं पुनः आपको नमस्कार सभी श्रोताओं को करता हूँ मुझे शामिल करने के लिए, आप फिर बार बार आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। तो श्रोताओं, आप थे श्री बाबूराम पासवान, विधायक पूरनपुर क्षेत्र। तो आप से हमारी बात हुई और आपने इसे सुना, और एक कर्मठ योद्धा के रूप में, कोरोना योद्धा के रूप में ये कार्य कर रहे हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि स्वयंसेवी संगठन वगैरह तो काम कर ही रहे हैं, साथ साथ ही लगातार 27 दिनों से लगभग 1500 लोगों को
रोज खाना की व्यवस्था करते हैं। भाई ऐसे योद्धाओं को